पुलिस बॉयज एसोसिएशन की ओर से विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। माता पिता कहते हैं शिक्षा सीखो, सरकार कहती है पकौड़े बेचो के नारे आंदोलनकारियों ने दिए हैं। चूंकि पुलिस विभाग अनुशासन का विभाग है, इसलिए समाज की सुरक्षा का ख्याल रखने वाली पुलिस अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती। अतः सभी के सहयोग, समर्थन और सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक ऋण के रूप में ली जाने वाली समाज की गतिविधियों में पुलिस परिवार संघर्ष कर सकता है, क्योंकि आप किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं तथा दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा किसी से डरना। मार्च में गरीब पुलिस परिवारों के साथ शामिल हुए थे। माझं नाव वर्षा श्रीरंग मारबते, मी पोलीस बॉईज महिला आघाडी अध्यक्ष आहे। आमच्या मागण्या आहे पोलिसांच्या 8 तासाची ड्युटी झालीच पाहिजे, पोलीस पाल्याला कुठल्याही क्षेत्रात असो 10% आरक्षण मिळालंच पाहिजे, पोलीस महसूल महसूल विभागा एवढा पगार झालाच पाहिजे पोलीस यांचा, पूर्ण पोलिसांचा। मागण्याला घेऊन आम्ही हा पोलीस पूर्ण पोलीस परिवार, पोलीस पत्नी आहे आमच्या सोबत, या वर्धा जिल्ह्यामधून आलेल्या आहे। तर आणि प्रत्येक वेळेला आम्हाला हा आमचा 5व्यांदा मोर्चा काढलेला आहे, पण फक्त आम्हाला आतापर्यंत आश्वासनच देत आलेले आहे, त्याच्यामुळे आम्ही काही हा मोर्चा बंद करणार नाही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही वारंवार। पुलिस परिवारों के अधिकारों और शक्तियों की मांग के लिए विधान भवन में 5वीं बार नागपुर शीतकालीन सत्र 2023 पर पुलिस परिवार की ओर से भव्य मोर्चा निकाला गया, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन का इशारा इस वक्त दिया गया।